सिंध असम्बली के हलका PS 88 में जिमनी इलेक्शन, पीपल्स पार्टी और तहरीके इंसाफ आमने सामने। मलीर मेमनकोट का इलाका मैदान जंग बना रहा, खुलेआम आतिशी असले की नुमाइश, फायरिंग से भगदड़, पोलिंग स्टेशन पर मौजूद पुलिस तमाशा देखती रही। मैंने आज सुबह बताया था कि बिलावल जरदारी और मुराद अली शाह की साजिश के तहत पीपल्स पार्टी पुलिस के साथ मिलकर अटैक कराएगी। उसके बाद इन्होंने मेरी गाड़ियों पर डायरेक्ट फायरिंग कराई है, बाहर से लड़के लेकर आए हैं, कराए के गुंडे। आप अभी भी देख लें, वो MP होकर यहाँ पर नहीं आ सकता पोलिंग पे। दूसरी बात यह कि उनके साथ अभी भी असले वाले बंदे घूम रहे हैं। आप हमारे कैंपों में जाएं, सारी जगहों पे घूमें, एक बंदा हमारा कोई असले वाला नहीं है। MP होने के इस तरह की गुंडागर्दी जो है, ये भोकलाक का शिकार है। ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो है कुछ नुकसान हो जाए। हमारे किसी आदमी ने, हमारे लोग जो थे पुरमन लोग थे, और उन पर आकर आते ही तशद्दुद किया गया। FIA ने एडिशनल डायरेक्टर समेत 5 अफसरान के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी। नाम एग्जेक्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल। डायरेक्टर जनरल FIA को लिखी गई चिट्ठी में 5 सरकारी अफसरों के फरार के रास्ते बंद कराने की दरख्वास्त, नाम PNL में शामिल करने की इस्तदा। मुलजमान एडिशनल डायरेक्टर फैजुल्ला कुरेजो, डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल गफ्फार समेत 5 अफसरान पर करप्शन और बदउनवानी के इल्जाम हैं। सिंध असम्बली के हलका PS 88 के जिमनी इलेक्शन में हलीम आदल शेख को पोलिंग स्टेशनों पर जाने से रोक दिया गया। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से पुलिस को मरासला, हलीम आदल शेख को हलका बदर करने की हिदायत। मरासले में वाजे किया गया है कि हलीम आदल शेख अपने मुसल्ला अफराद के हमरा पोलिंग के अमल को सबूताज कर रहे हैं। इलेक्शन कवानीन के मुताबिक पोलिंग के रोज कोई MPA, MNA या सेनेटर हलके और पोलिंग स्टेशन के अतराफ नहीं घूम सकता। पुलिस ने हुक्म बजा लाते हुए हलीम आदल शेख को मलीर कैंट पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। पुलिस का कहना है कि हलीम आदल शेख पर हंगामा आराई व दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का 20% तमाशाइयों को स्टेडियम में दाखिले की इजाजत देने का फैसला। PCB ने HBL पाकिस्तान सुपर लीग 2021 के लीग मैचेस के लिए टिकटों की कीमतों का ऐलान कर दिया है। क्वालिफायर, दोनों एलिमिनेटर्स और फाइनल की टिकटों की कीमतों का ऐलान बाद में होगा। क्रिकेट फैंस के लिए इवेंट के लीग मैचेस की टिकटें अब वेबसाइट पर भी दस्तियाब होंगी। ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त बुध की सुबह 10 बजे से शुरू होगी। PCB ने नेशनल स्टेडियम कराची और कजाफी स्टेडियम लाहौर में फैमिलीज के लिए चंद इंक्लोजर्स मखसूस कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट इंतखाबात से मुतालिक सदारती रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, आप हमें करप्ट प्रैक्टिसेस रोकने की स्कीम नहीं बता रहे। इतने अरसे से केस चल रहा है, आप सिर्फ एक्ट के मुताबिक काम करने की बातें कर रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से दौरान समाअत इस्तफसार किया कि हमें पूरी स्कीम बताई जाए कि इंतखाबात कैसे शफाफ होंगे। अदालत उज़्मा ने इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए इलेक्शन कमीशन को नई तजावीज के साथ रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर व दीगर हुक्काम के साथ कल जाती हैसियत में पेश हों। वफाकी वजीर दाखला शेख रशीद अहमद का कहना है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आना चाहें तो उन्हें सफरी दस्तावेजात जारी की जा सकती हैं, लेकिन उनका पासपोर्ट रिन्यू नहीं होगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद ने कहा कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान न आना हो तो आज रात 12 बजे तक वीजे की कोई आईनी हैसियत नहीं होगी। उनके पासपोर्ट की तजदीद की मुद्दत आज रात 12 बजे खत्म हो रही है। उन्हें पाकिस्तान आने से नहीं रोका जा रहा। उनकी दरख्वास्त पर पाकिस्तान आने का सर्टिफिकेट जारी किया जा सकता है।